फ्रेंड्स, आज से ऑनलाइन क्लास फिर से स्टार्ट कर दिए हैं और पूरा सिलेबस लास्ट तक वीडियो भेजते रहेंगे। आप लोग अच्छा से मेहनत करके पढ़िए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मुश्किलें ज़रूर है मगर ठहरा नहीं हूँ मैं, मुश्किलें ज़रूर है मगर ठहरा नहीं हूँ मैं, मंजिल से ज़रा कह दो अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं। कदमों को बांध ना पाएगी मुसीबत की ये जंजीरें, रास्ते से जरा कह दो अभी भटका नहीं हूँ मैं। देखो, ये क्वेश्चन है 3x-1 x+ का होल स्क्वायर। ये 7.5 का जो प्रॉपर्टी हम लिखाए थे उसी से है। सबसे पहले इसको लेट करते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पर कि अगर स्क्वायर है तो a बाई एक्स प्लस टू लिखेंगे और एक बार स्क्वायर वाला लिखते हैं। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो एक में स्क्वायर, एक सिंगल है तो स्क्वायर हो गया। एलसीएम भीम का जोड़, ये और ये दोनों कट गया। ऐसे करेंगे तो एक तो अब मिल रहा है इसलिए ए को सिर्फ गुना हुआ और ये तो दोनों मिल रहा था इसलिए बी हुआ। अब देखिए, ये तो आ गई यहाँ तक। अब वो एन एक्स की जगह क्या बैठाएंगे कि एक जीरो हो जाए, या तो ए जीरो हो जाए या तो बी जीरो हो जाए। एक्स की जगह माइनस टू अगर हम लेते हैं तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ बैठाइए एक्स की जगह माइनस टू वन, फिर यहाँ बैठाइए माइनस टू तो जीरो हो गया, तो बच गया बी। अब यहाँ देखिए, 3 × 6 - 6 और -1 है तो बी का वैल्यू हो गया -7। अब क्या करेंगे, अब x के जगह कुछ भी बैठा लीजिए, कुछ नहीं है तो जीरो बैठा लिए, है ना। तो जीरो बैठा दी यहाँ तो -1 बच गया, यहाँ जीरो बैठा दीजिए तो कितना होगा, 0 + 2 + b तो 2a आ गया। अब b का वैल्यू लाएं, अभी -7 बैठा दिए, -7 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 - 1 चला गया तो 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 का वैल्यू कितना निकल गया, 3। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये मेरा क्वेश्चन था, हम लोग लेट करके इतना लाए थे, जो हम लोग लेट करते हैं यहाँ पर वही वाला लिखते हैं। यहाँ पर लेट कर लिए थे तो a बाई एक्स प्लस टू बी बाई एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। एक जगह 3 है, बी की जगह -7 है। आप क्या किए, इसका फार्मूला होता है 1 / x + 2 का होता है इंटीग्रेशन log x + 2 मोड में, और 3 है तो 3 बाहर कर दिए, 7 है तो 7 बाहर कर दिए, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको ऊपर चढ़ाएंगे तो x + 2 - 2 होगा। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि ऊपर में भी प्लस जुटता है और नीचे में भी प्लस जुटता है। तो देखिए, ये जब ऊपर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा -2 और +1, ऊपर भी जोड़ना है +1, ऊपर में भी जोड़ देना है और नीचे भी +1 जोड़ देना है। तो -2 में -1 घटेगा तो क्या बचेगा, तो -1 बचेगा, या कुछ गलत था, -1 बचेगा। नीचे -2 में -1 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस और माइनस प्लस हो गया, -2 में -1 जाएगा तो ये 3 नहीं होगा, 7 बचेगा, है ना, ये देख लीजिएगा। अब चलते हैं ये क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। एक्स स्क्वायर को टी मान लीजिएगा, उसके बाद t - 1 t + 1, लेकिन ये डी एक्स है, फिर इसको लेट करके उसी तरह बनाएंगे, 1 / t - 1 1 / t + 1, है ना। और फिर जब इंटीग्रेशन का समय आएगा तो ए टी की जगह एक्स स्क्वायर बैठा कर इंटीग्रेशन कीजिएगा। आइए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। एक्स है, एक्स के पावर एन है, +1, ये तो क्या किए, देखिए ऊपर भी एक्स के पावर n-1 से गुना किए, नीचे भी किए, क्यों किए, आगे बनाने के लिए। अब देखिए, ये n-1 है, पावर 1 है, आपस में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 1-1 कट जाएगा, an बच गया। अब देखिए, इसमें पुट करेंगे, एक्स के पावर n को हम t मान लिए, इसका डेरिवेटिव होता है n x n-1, n गुना में इधर आएगा तो डिवाइड में हो गया। देखिए ये जो टर्म है यार, ये टर्म है, मिल गया, तो इसके जगह पर हम लिखेंगे dt/n, देखिए लिखे dt/n, और x के पावर n को t माने थे, यहाँ भी x के पावर n है t माने थे, तो ये आ गया। अब ये आ गया तो इसका तो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि
कि वन बाय टी टी प्लस वन को लेट करेंगे ए बाय टी और एक बार बी बाय ये टी प्लस वन। उसके बाद आप लोग बना सकते हैं, एलसीएम लीजिएगा, काट दीजिएगा, फिर इंटीग्रेशन कीजिएगा। देखिए बहुत अच्छा आएगा, ए और बी का वैल्यू निकाल के यहाँ बैठा दीजिएगा, इसका आएगा लॉग टी, इसका आएगा लॉग टी प्लस वन, और टी जगह जो माने थे वो बैठा देंगे। फिर बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, वीवीआई है, लास्ट क्वेश्चन है 17 का। कहता है कॉस एक्स वन माइनस साइन एक्स, एक्स माइनस टू माइनस साइन एक्स। साइन एक्स को टी मानिएगा, अब साइन एक्स को टी मानिएगा, उसके बाद साइन का डेरिवेटिव कीजिएगा तो कॉस एक्स इक्वल टू डी टी आएगा। देखिए ऊपर वाला कॉस एक्स आ गया डी टी, अब जहाँ जहाँ साइन है वहाँ पर क्या बैठा देंगे टी, तब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो आएगा ए बाई टी माइनस वन, बी बाई टी माइनस टू। इसका भी सॉल्व करके अरे यार बी का वैल्यू निकाल लीजिएगा, वन माइनस टी है तो वन बाय वन माइनस टी का क्या होगा लॉग वन माइनस टी, और बी का वैल्यू मान लीजिए कुछ निकाल लीजिएगा तो इसका भी होगा लॉग टू माइनस टी। इस तरह बहुत ईजी है, ये क्वेश्चन आया हुआ था 2017 में, आप लोग बना सकते हैं, कोशिश कीजिएगा, बहुत ईजी है न। चलिए आपसे पूरा बना देंगे, ये छूट गया था इसीलिए। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से बना दिए आप लोग को एन सी ई आर टी का 7.6 इंटीग्रेशन बाय पार्ट, शुरू होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या है आइए हम लोग जानते हैं। ई इंटू वी, इसमें हम पढ़ेंगे यू इंटू वी, यू और वी रहेगा तो क्या करना, यू बाहर, वी का इंटीग्रेशन, जो बाहर में रहता है उसको यहाँ डेरिवेटिव करते हैं और जो अंदर रहता है उसको यहाँ इंटीग्रेशन करते हैं, डबल इंटीग्रेशन, यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। चलिए देखिए अब u और v किसको मानेंगे, देखिए ये आई लेट फार्मूला है, आई लेट, आई से होता है इनवर्स फंक्शन जिसको बोलते हैं साइन इनवर्स कोस इनवर्स, l से बोलते हैं लॉगरिथम फंक्शन जिसको लॉग x लॉग y कुछ भी रह सकता है, ए से बोलते हैं अलजेब्रिक यानी ए एक्स एक्स स्क्वायर वन टू थ्री कुछ भी हो सकता है, टी से बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जिसमें साइन थीटा कोस थीटा सेक थीटा कुछ भी आ सकता है, ई से बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको ई टू द पावर एक्स ई के पावर कुछ भी रह सकता है। तो इस लेटर में जो सबसे पहले आएगा उसको यू बोलेंगे और जो बाद में आएगा उसको भी मानेंगे। अब देखिए एक और है इसमें कॉन्सेप्ट कि e टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स रहेगा, तो e टू द पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस सी, तो ये जो फंक्शन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव अगर कॉस एक्स रहेगा तो आंसर हो जाता है कि अगर यहाँ एफ एक्स रहे और एफ एक्स का डेरिवेटिव यहाँ रहेगा तो डायरेक्ट एफ एक्स आर ई टू द पावर एक्स आंसर हो जाएगा। जिस तरह एग्जांपल एक देखिए ई टू द पावर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ई टू द पावर एक्स और साइन एक्स। अब देखिए यहाँ जैसे ई इंटू वी है, ई इंटू वी है तो साइन एक्स और एक्स है, एक्स होता है एलजेब्रिक और साइन एक्स होता है ट्रिग्नोमेट्री, तो एलजेब्रिक पहले आता है इसलिए यू माने ए पहले है ट्रिग्नोमेट्री बाद में। अब देखिए इंटू वी फार्मूला, यू बाहर हो गया साइन एक्स अंदर हो गया, जो बाहर होता है उसको यहाँ डेरिवेटिव करते हैं और जो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हुआ फिर से इंटीग्रेशन की। अब साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, एक्स का हो गया डेरिवेटिव वन और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, माइनस और माइनस हो गया प्लस, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स। फिर से देखिए एक्स है साइन थ्री एक्स, ए यू बाहर हो गया ये भी माने, यू बाहर हो गया साइन एक्स थ्री एक्स का इंटीग्रेशन, फिर जो बाहर होता है इसको यहाँ डेरिवेटिव करते हैं और जो अंदर रहता है फिर से इंटीग्रेशन करते हैं। अब फिर इसको हल कीजिए, देखिए फार्मूला में बैठा दिए साइन एक्स का माइनस कोस थ्री एक्स और यहाँ पर लिखे नहीं है, एक्स के साथ जितना यहाँ इंटू रहता है वो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड कर लीजिएगा थ्री, एक्स का डेरिवेटिव वन हो गया साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, देखिए एक्स के साथ थ्री एक्स गुना में तो ये डिवाइड हो जाता है, ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, माइनस और माइनस हो गया प्लस,
अगले बार लिख देंगे। ये थ्री है तो वन बाई थ्री बाहर कर दिए, और ये कॉस थ्री एक्स है। अब कॉस थ्री एक्स का किए माइनस, और ये माइनस दोनों में है, तो कॉस थ्री एक्स का फॉर्मूला होता है साइन थ्री एक्स बाई थ्री। अब ये माइनस माइनस आप लोग प्लस कर लीजिएगा, ये तीन तिया हो गया नौ, और ये साइन थ्री एक्स।